वेलकम पार्टनरशिप, इसके 4 एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसमें आप सबका स्वागत है। पार्टनरशिप का प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें जाकर के आप डिटेल देख सकते हैं, लेकिन नए नए तरह के क्वेश्चंस बनाने का मेरा सिलसिला जारी रहेगा। SBI PO का एग्जाम 2019 में होगा, SSC CGL से लेकर के रेलवे के एग्जाम तक जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस आते हैं उसकी दृष्टि से इस एपिसोड का बड़ा महत्व है। पार्टनरशिप आपको समझ में आ जाएगा, आप न्यू स्टूडेंट हैं तो भी। आइए देखते हैं व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। ये 4 क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले 4th नंबर बना दूं ताकि स्पेस मिल जाए ज्यादा उनको लिखने का। आइए 4th नंबर पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पूंजी के अनुपात में लाभ का वितरण होता है। इफ अदर कंडीशंस आर द सेम, नहीं सेम है मतलब टाइम, तो टाइम को सेम बनाते हैं। कैपिटल इनटू करेस्पॉन्डिंग टाइमिंग, इसी रेशियो में प्रॉफिट का रेशियो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यही तो मूल इसका डेफिनेशन है, यही इसका की लाइन है। आइए देखता हूं। 4th नंबर है, 2 persons A and B started a business with investments of rupees 24,000 and 28,000 respectively. ठीक है, A और B दो व्यक्ति हैं, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन इन्वेस्टमेंट के साथ वो बिजनेस शुरू करते हैं। After 4 months, C also joined them with certain investment. इन्वेस्टमेंट तो दिया नहीं, 4 महीने के बाद आया। ओके, ए और बी तो शुरू में ही, मतलब शुरू से है। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज रुपीज 19,950. व्हाट वाज सीज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, टोटल प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट का रेशियो मालूम होना किन्हीं का, आपस में ए बी सी का या ए बी और सी का या ग्रुपिंग में या अलग अलग, रेशियो तो चाहिए। बिजनेस 1 ईयर चला तो ए एंड बी पूरे साल भर रहे, लेकिन 4 मंथ्स के बाद सी आता है और साल के अंत तक रहता है। इसका मतलब 8 मंथ्स रहे, बाकी 8 मंथ्स टाइम तो मालूम है, 12 मंथ्स और 8 मंथ्स। कैपिटल भी ए बी का मालूम है, सी का नहीं मालूम है, तो रेशियो कैसे निकलेगा? और रेशियो नहीं निकलेगा तो 19,950 का टोटल प्रॉफिट में पार्ट कैसे निकलेगा? डेटा इनएडिक्वेट आंसर। बताता हूं इसका मायने क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन का जहां तक सवाल है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये 24,000 के साथ, 28,000 के साथ 1 ईयर यानी 12 मंथ रहे तो 1 मंथ में इसके बराबर, 1 मंथ में इसके बराबर, 4 मंथ के बाद सी आए तो बाकी 8 मंथ वो रहता है किसके साथ? मालूम नहीं, लेट एक्स के साथ, तो एक्स फॉर 8 मंथ इस रेशियो में होगा। लेकिन हम कैसे बताएं, कैसे बताएं? टोटल प्रॉफिट पता है, टोटल मालूम नहीं है, इसीलिए हम नहीं निकाल सकते। अगर सी का कैपिटल दिया रहता तो प्रॉफिट में हिस्सा बता सकते थे। प्रॉफिट किसी का मालूम होना चाहिए था जो नहीं मालूम है, इसीलिए डेटा इनएडिक्वेट इज द आंसर। बोलिए, ये समझ में आया? अगले क्वेश्चन में ये बात और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा और मैथमेटिकली अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा देखिए। सी कहने का मतलब
कि 8x बाय ये 24 इंटू 12 प्लस 28 इंटू 12 प्लस 8x ये कर तो देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? रेशियो नहीं मालूम है तो कैसे बांटेंगे? यही वजह है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो है वन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ईच। ए एंड बी इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट्स ऑफ रुपीज 300 एंड 200 रेस्पेक्टिवली एंड इन द फोर्थ क्वार्टर amount invested by them became equal if annual profit was divided in the ratio of 5:6 respectively what was the investment with which A started the business। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बताता हूं क्वेश्चन का मैप भी बताता हूं क्या है और कैसे करना है। A और B है ना, देखिए मैं बताता हूं, ये ए है और ये बी है। मान लीजिए कि ए ने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया और बी ने वाई रुपीज इन्वेस्ट किया। मान लीजिए इन्वेस्ट किया, ठीक, शुरू हुआ बिजनेस, सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हुआ यानी थ्री मंथ्स के बाद तो 3 महीने तक तो ये वाला पैसा रहा। आगे ए 300 डालता है और बी 200 डालता है, तो अलग अलग रखते हैं ना। आफ्टर 3 महीने ये 300 डालता है और ये 200 डालता है। फिर थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है यानी 6 महीने के बाद, तो ये फिर 300 डालता है और ये फिर 200 डालता है। और 9 महीने के बाद जब फोर्थ क्वार्टर शुरू होता है तो फिर ये 300 डालता है और ये 200 डालता है। कैपिटल्स यही है। तो कह रहा है कि दोनों जो इन्वेस्टमेंट हैं वो समान हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि x प्लस ये 900 इज इक्वल टू y प्लस 600। इसका मायने ये हुआ, इधर ले आई उधर ले आई, चलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 300। रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, ये पहली बात है। कैपिटल के बारे में कह रहे हैं कि दोनों की कैपिटल इन्वेस्टमेंट समान हो जाते हैं, तो उसका माने हमने ये निकाला। अब प्रॉफिट का रेशियो होगा समान समय में जो कैपिटल का रेशियो होता है। वन ईयर बिजनेस चला और उसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये x रुपीज जो है ये 12 महीने रहता है, y भी इसका 12 महीने रहता है। 3 महीने के बाद जब सेकंड क्वार्टर शुरू हुआ तो ये जो पैसा है, पैसे का इन्वेस्टमेंट है, वो बाकी 9 महीने रहता है, इसका भी ये बाकी 9 महीने रहता है, ये वाला बाकी 6 महीने रहता है, ये भी रेस्ट 6 महीने रहता है। ये फोर्थ क्वार्टर के शुरू में डाला तो अंतिम 3 महीने रहा, ये भी अंतिम 3 महीने रहा। 1 महीने में कैपिटल्स यही थे, क्या करते हैं पता, सुनिए 12x है और 300 इंटू 9 300 इंटू 6 300 इंटू 3, तो हम इसे 300 इंटू 9 6 3 9 6 15 3 18, या एवरेज 6 6 into 3 18, क्यों ना कर दें, बोलिए। और उसी तरह से 12y प्लस 200 into 18 क्यों ना कर दें। ये प्रॉफिट का रेशियो हुआ, थोड़ा इजी बना लें, कैंसिल कर दें, 12 कॉमन ला के कैंसिल कर दें, 12 काट दें, 12 यहां से भी निकालें, 6 से 3 टाइम्स यहां लिखते हैं
और 2 यहां से निकाल लें तो 150, 12 बाहर निकाल लेते हैं, 12 बाहर निकाल लेते हैं, 12 कैसे निकालें, तो 12 यहां से निकला, 12 6 यहां से निकाल लेते हैं और 2 यहां से निकाल लेते हैं, यहां से 6 2 12 कॉमन लाके काटते हैं, 6 2 ऐसे करके क्या बच जाएगा, बच जाएगा x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते, बताता हूं क्यों, y प्लस 102 3, यही प्रॉफिट का रेशियो होगा, ये 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 प्रॉफिट का रेशियो होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट का रेशियो। आइए इधर बात करते हैं, तो हमें दिया है कि x प्लस 150 into 3 और ये y प्लस 100 into 3, ये जो रेशियो है ये 5:6 है। मान लीजिए इसको इधर लाते हैं 6x और 5y को भी इधर ले आते हैं तो -5y, तो उधर जो बचेगा 3 कॉमन लेके बोलेंगे, बोलेंगे उधर 500 -900 ऐसे, तो 6x -5y इज इक्वल टू क्या आया, 3 into 400 यानी कि 1200 -1200 नीचे लिखते हैं, अच्छा रहेगा, यानी कि -1200 रखते हैं। यही दोनों इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, तो आप जरा देखिए कि यहां पर है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -1200, यहां पर हम क्या चाहते हैं, डायरेक्ट निकालें x चाहते हैं, a का इन्वेस्टमेंट, तो हम y कैंसिल कर देते हैं, y कैंसिल कैसे होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लेस कर दें, या इसे हम ऐसे लिखते हैं माइनस कॉमन ले लें, कैसे भी कीजिए, मान लीजिए इसको हम बोलना चाहते हैं तो -x + y बोल दें ताकि ये 300 हो जाए, बस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -5x, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो +5y और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1500, और अगर हम ऐड करें तो ये कट न जाए, ये x न बच जाए, और इसको लेस करें, ऐड करें ना तो 300 न हो जाए, 300 इज आंसर, सो C इज आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ता हूं पहले, ए विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹899 एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस आफ्टर 8 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी लेफ्ट द बिजनेस। रुकिए रुकिए रुकिए, ए ने शुरू किया मालूम है 899 के साथ, बी ने कितने के साथ मालूम नहीं है, 8 months के बाद बी ने छोड़ दिया, बिजनेस को लेफ्ट कर दिया, यानी 8 months तक तो बी रहा ना, 8 months तक ए तो कंटिन्यू कर रहा है, 8 months के बाद बी नहीं है, एंड सी ज्वाइंड, सी पहले नहीं था अब आया है, 8 months के बाद आया है, सी ज्वाइन विद एन अमाउंट डबल दैट ऑफ बी, बी का अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है लेकिन उसका डबल के साथ सी आता है, उसके बाद इफ एज शेयर आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट, यानी बिजनेस 1 year चला, एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹14,005 वाज ₹5,039.50, बड़ा टेढ़ा टेढ़ा नंबर है, ये कोई मतलब है, ₹899 का इन्वेस्टमेंट, ₹14,005 का इन्वेस्ट का प्रॉफिट, प्रॉफिट तो ठीक है, 5039.50 का प्रॉफिट क्या दिया है, व्हाट वाज सीज अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट, इसीलिए दिया है, इसीलिए दिया है। मैं समझाता हूं, जब ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का है, ये हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेके ही बात करते हैं,
ये ए है, ये बी है, और इसके साथ बिजनेस शुरू होता है। ए ने 900 रुपीज इन्वेस्ट किया, ये हमने अप्रोक्स लिया, बी का मालूम नहीं है, लेट कि उसने एक्स रुपीज के साथ बिजनेस शुरू किया। 8 मंथ्स के बाद बी ने बिजनेस छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि इंटू 8 फॉर 1 मंथ कैपिटल बराबर हुआ 1 मंथ में इन्वेस्टमेंट के। और तब सी आता है, यानी कि 8 मंथ्स के बाद आता है, साल के अंत तक रहता है, डबल इन्वेस्टमेंट के साथ आता है बी की तुलना में, तो 2x के साथ आता है, 8 मंथ्स के बाद आता है, साल के अंत तक रहता है, बाकी 4 मंथ तक वो रहता है, और ए तो पूरा का पूरा 12 मंथ रहता है। इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मजेदार क्वेश्चन है कि ए का शेयर टोटल प्रॉफिट में दिया है, हम लोग थोड़ा इजी बना लेते हैं ना, 4 × 2 = 8, 8 कैंसिल करते हैं, कैसे करेंगे, तो 4 यहां से निकाल लेते हैं और 2 यहां से निकाल लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं, तो रेशियो क्या आता है, x is to 3 × 450 रहने दीजिए, अभी नहीं मल्टीप्लाई करना है, हो गया। क्वेश्चन ये है कि टोटल प्रॉफिट को हम 14,000 मान लें तो उसमें ए का शेयर दिया है, ए का शेयर, तो ये प्रॉफिट का रेशियो है ना, ये प्रॉफिट का रेशियो है ना, तो 3 × 450 अगर ए का पार्ट है तो बाकी जो बी और सी हैं उनका पार्ट क्या होगा, उनका पार्ट क्या x प्लस एक्स 2x ना होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, ऐसे करते हैं, 2x ना होगा, प्रॉफिट अगर इसको इतना मिलेगा तो इसको x और इसको x तो दोनों मिला करके 2x, और प्रॉफिट टोटल 9000 है, उसमें c का शेयर, a का शेयर, इसमें a का शेयर, a का शेयर 5000 है, अप्रॉक्स, तो 9000 14000 में 5 हटा दीजिए तो ये 9000 है, यही हुआ ना, यही हुआ ना, 5 × 2 = 10 को क्यों ना काट दें, हमारा आंसर क्या हुआ, x = 9 × 3 कर देते हैं, 45 × 27, जानते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तरह तरह से करेंगे, आप 50 से मल्टीप्लाई करके भी बात कर सकते हैं, आप 45 3 बोल के 135 आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 30 मान, इसको मान लीजिए आप ऐसे 30 - 3, तो 45 3 = 135 होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लेस करें तो ये होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारा 1200 रुपीज के बराबर है, देखिए अप्रोक्स, हमें अप्रोक्सीमेटली बनाना था, अप्रोक्सीमेटली बनाना था, बोलिए समझ में आया कि नहीं, आप ऐसा भी कर सकते थे कि 27 से 50 को कर लेते, 27 से 100 को कर लेते, 2700 होता उसका हाफ, 1350 होता और 135 लेस कर देते, आप ऐसा भी कर सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे कि 45 × 27 को 50 - 5 बोलते तो 1350 - 135 ना होता, यानी 1215 ना होता, जैसे हम इक्विवेलेंट टू 1200 ना कहते, तो इसका आंसर सी है, बोलिए समझ में आ रहा है। अब चलिए इसका जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 21,600 and rupees 14,400 respectively. A and B ने बिजनेस शुरू किया, इन्वेस्टमेंट दिया है 21,600 and 14,400 के साथ. After few months from the start of the business, C joined them by investing rupees 18,000. अब C भी आ गया. कितने मंथ के बाद नहीं मालूम, कभी भी आया.
बिजनेस में शामिल हुआ 18,000 के साथ, ओके, इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय देम इज रुपीज 10,600 आउट ऑफ विच सीज शेयर इज रुपीज 2,120 आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस डिड सी इन्वेस्ट. कितना सुंदर क्वेश्चन है, बताता हूं, सबों को समझ में आएगा. सबसे पहली बात यह है कि कैपिटल्स का जो रेशियो है, तो कैपिटल्स को हम सुंदर नंबर बनाते हैं. एक का 18,000 है, बाकी सबका 1,000 नहीं है, 100 तो है. कैपिटल के रेशियो को हम इजी बनाते हैं. हम लोग बोलते हैं कि ए का जो कैपिटल है, बी का जो कैपिटल है, सी का जो कैपिटल है, पहले उसका रेशियो निकालते हैं. तो हम इसे 216 कहते हैं, 100, 144, 100. अगर नहीं कहते तो ठीक है, लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट 100 बोलते, बोलने से क्या होता है, लिखिए लिखे से इजी बनाते हैं. इतने बड़े नंबर के साथ क्यों जाएं, किससे कटेगा, 12 से तो पक्का कटेगा. 12 से काटते हैं इसको, 12 18 टाइम्स बोले होगा, 12 से तो ये 12 टाइम्स होगा, 12 से ये 15 टाइम्स होगा. थोड़ा और कैंसिल करें, किससे करें, 3 से, 6, 4 एंड 5. ये कैपिटल के रेशियो हैं, ये कैपिटल का रेशियो है, कैपिटल का रेशियो है, ये कैपिटल का रेशियो है. अब टाइमिंग के बारे में देखते हैं. तो बिजनेस तो साल भर रहा, ए एंड बी ने तो बिजनेस शुरू किया था, सी बाद में आया जिसका टाइम मालूम नहीं है. मान लिया सी एक्स मंथ रहा, एक्स मंथ रहा, तो सी का जहां तक प्रॉफिट का सवाल है, समान समय में जो कैपिटल का रेशियो होता है 6 × 12, 4 × 12 और 5 × x मंथ रहा. अगर हम ग्रुपिंग करके बात करें तो ए प्लस बी करके बात करें और सी करके बात करें. क्यों बात करें ऐसे, क्योंकि जो शेयर है ना प्रॉफिट में, उसमें सी का को अलग करना है. तो हम इसको बोल सकते हैं 6 + 4 = 10. समझ में आ रहा है, नहीं लिखते डायरेक्ट लिख देते हैं 6 + 4 = 10 और इसको बोलते हैं 5x. फिर मन करता है अरे कैंसिल क्यों ना कर दें, यानी 24 × x. अब ये सी है और ये ए प्लस बी है. सी का यदि एक्स रुपया है समान समय में कैपिटल, तो ए प्लस बी का क्या है, 24 है, यही रेशियो है ना. और यहां पर क्या दिया है, सी का 2,120 है आउट ऑफ 10,600, यानी 10,600 में आप 2,120 लेस करते हैं. ऐसे लेस नहीं करते, 2,000 लेस करेंगे तो 8,000 और 120 लेस करेंगे तो 480. ये है समान समय में कैपिटल का जो रेशियो है, सेम टाइम में प्रॉफिट का रेशियो भी यही है. इसको कैंसिल करें, ये तो नजर आ रहा है ये 4 टाइम्स है, वाह, इससे 6 x = 6. बी अलर्ट, इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी, बेकार चली जाएगी. सी एक्स मंथ रहा बोल रहे हैं, By chance ये 6 है, टोटल 12 है, पूछा ये है 12 − 6, 6 इज आंसर. नहीं तो गलती से सही हो जाएगा, अगर ये 4 होता तो ये 8 होता, ये वाला x नहीं है, x पूछा नहीं है, ये पूछा है after how many months from the start of the business did C invest, ये after how many months. बोले ये समझ में आया कि नहीं, तो आंसर क्या हुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कि 6 months, यानी कि ई इज द आंसर. बोलिए ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा. चैप्टर के आधार पर क्वेश्चंस का अपना महत्व है, अपने मायने है. मिसलेनियस क्वेश्चंस का अपना मायने है. मेरी पूरी टीम, अमर सर,
यूट्यूब चैनल आपको सपोर्ट कर रही है, वेबसाइट amarsir.in ये तो आपको मदद कर ही रहा है और वो लगातार फुल फॉर्म में आता चला जाएगा। जिस दिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू होगा उसका इस्तेमाल कैसे करना है ताकि नुकसान ना हो वो मैं बताऊंगा। ऑल द बेस्ट।